के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात जान के कि सिर पर 50 रुपए की लागत आती है देसी घी को बनाने में। हमें इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक न्यूज के माध्यम से खबर आई है कि चमड़ा सिटी के नाम से प्रसिद्ध कानपुर के जाजमऊ से गंगा जी के किनारे किनारे 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में आप घूमने जाओ तो आपको नाक बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे सैकड़ों की तादाद में गंगा किनारे भट्टियां धधक रही हैं। इन भट्टियों में जानवरों को काटने के बाद निकली हुई चर्बी को गलाया जाता है। इस चर्बी से मुख्यतः 3 ही वस्तुएं बनती हैं। सबसे पहले एनामेल पेंट, जिसको आप अपने घरों की दीवारों पर लगाते हो। दूसरे नंबर पर ग्लू यानी फेविकोल इत्यादि, जिन्हें हम कागज लकड़ी जोड़ने के काम में लेते हैं। तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बनती है वो है देसी घी। जी हाँ, तथाकथित शुद्ध देसी घी। यही देसी घी यहाँ थोक मंडियों में 120 से 150 रुपए किलो तक खुलेआम बिकता है। इसे बोलचाल की भाषा में पूजा वाला घी बोला जाता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग भंडारे कराने वाले भक्तजन ही करते हैं। लोग 15 किलो वाला टीन खरीदकर मंदिरों में दान करके अद्भुत पुण्य कमाते हैं। इस शुद्ध देसी घी को आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते। घी को 20 से 25 साल पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं जानवरों की चर्बी को। औद्योगिक क्षेत्र में कोने कोने में फैली वनस्पति घी बनाने वाली फैक्ट्रियां भी इस जहर को बहुत तादाद में खरीदती हैं। गांव देहात में लोग इसी वनस्पति घी से बने हुए लड्डुओं को विवाह शादियों में मजे से चाव से खाते हैं। शादियां पार्टियों में इसी से सब्जी का तड़का लगता है। कुछ लोग जाने अनजाने में खुद को शाकाहारी समझते हैं, लेकिन जीवन भर मांस अंडा छूते नहीं है। क्या जाने वो जिस शादी में चटपटी सब्जी का लुत्फ उठा रहे हैं उसमें आपके पड़ोसी के भैंस के बच्चे की चर्बी का घी हो सकता है। शुद्ध देसी घी का दावा करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसे प्रयोग करके अपनी जेब भर रही हैं। इसलिए बहस बेमानी होगी कि कौन सा घी कितने में बेच रहा है। अगर शुद्ध घी ही खाना है तो अपने घर में गाय पालकर ही शुद्ध घी खा सकते हो, या किसी गाय या भैंस वाले के देसी किसान के घर से आप ये लेना सबसे बेहतर होगा। शुद्ध खाओ, अपनी सेहत को बनाओ। इन कंपनियों के फ्रॉड पंती से बचने के लिए अपने देसी किसान को सपोर्ट करो, क्योंकि देसी किसान अपने जमीर को हमेशा जिंदा रखता है। हमेशा अगर शुद्ध देसी घी चाहिए तो अपने किसान मित्रों के यहाँ से लीजिए।